कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र पावन हजूरी विच जुड़ मिल बैठे सत्संगी जनों, आओ फतेह नाल सांझ पाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, फतेह प्रवान करो जियो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहेगुरु जी की एक अजब खेड है, उन्हें दो चीजां बनाईयां ने। उन्हां दोहां दे विच ही संसार जिहड़ा किसे एक नाल जुड़ के ते जीवन बतीत करदा है। ओ दो चीजां की ने मेरे मालक बख्शिश करदे ने, कहिंदे एक है जहर ते एक है अमृत। दोनों ही मालक ने बनाए, सतगुर दे पावन बचन हन। बिख अमृत करतार उपाय, बिख दा मतलब जहर, अमृत जो जीवन देन वाला है। पैदा करतार नहीं कीते, बिख अमृत करतार उपाय, संसार बिर को दोए फल लाए। यह संसार एक दरख्त है, इनू मेरे मालक ने दो फल लगाए, एक जहर का फल है एक अमृत का फल है। संसार बहुता जहर के फल नूं टुट टुट के पैंदा है, वह जहर के नाल ही अपनी सांझ पाउंदा है, उनूं वो चमकदार लगता है, वह वधिया लगता है, तो सारा जीवन इहदे च बतीत कर लैंदा है। हुण इह जहर की है? माया नूं नागणी भी किया, ते नागणी विच की हुंदा है? जहर। माया मेरे मालक ने पैदा कीती, ते कई माया दे विच ही गलतान होके सारा जीवन बतीत कर दिंदे ने। असीं रोज पढ़दे हाँ, मेरे मालक कहिंदे भाई जे ते जहर दे विच ही सारा जीवन बतीत करना है ना, फिर जीवन बर्बाद है, कोई इंतजाम कर। डुबण वास्ते थोड़ी ना आए हैं इस संसार दे विच, आ मनुखा जीवन तरन वास्ते है, डुबण वास्ते नहीं है। बाबा नानक कहिंदे पर आपां देखदे डुब्बी रहे हैं, बहुते तरदा ते कोई कोई है। पावन बचन सब नूं याद होणगे, तित सरवरड़ै भइले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया। उसे ने कीता ना, रब ने कीता ना। इस पाणी दी थां उत्ते अग मेरे मालक ने पैदा कीती है। तित सरवरड़ै पहले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। कहिंदे असीं वेख्या डुबदे होयां नूं, डुब्बण वास्ते ते नहीं सी मिलिया ये जीवन, यह ते तरन वास्ते मिलिया सी। मेरे मालक कहिण लगे सरंजाम लाग भवजल तरन कै। भाई कोई इंतजाम दे विच लग, तैनू तरना चाहीदा, तैनू डुबना नहीं चाहीदा। जिहड़े काम तूं लगा होया ना डुबिया डुबिया, जिहड़े काम तूं लगा उत्थे ते मौत यकीनी है, उत्थे ते जन्म बर्बाद है। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात। जन्म ते मिल गया मनुखा जन्म, अमोलक जन्म, हीरे वर्गा जन्म, रतन वर्गा कीमती जन्म, पर चले गया किथे? चले गया जन्म वृथा जात, रंग माया कह। माया दे प्यार विच यही जहर है, जो मेरे मालक ने माया पैदा कीती, कई माया विच लग के सारा जन्म गवा बैठे। पहचान कोई नहीं, ये पहचान कराण वास्ते मालक ने रहमत कीती, गुरु बख्शिश कर दिता। असीं कादे वास्ते आए हैं? गुरु कादे वास्ते आया है? असीं गुरु कोल क्यों जाना है? असीं गुरु वाले क्यों बनना है? मेरे मालक कहण लगे तैनूं पता तू कादे वास्ते आए संसार विच? नहीं जी, मैनूं ते नहीं पता।
तू की समझदा असी तो सोचते हैं भी खाओ पियो तो ऐश करो, बहुते बंदे ही समझते हैं ये जग मिठा अगला किन डिठा, कई तो इस तरह ही अपना जीवन बतीत कर रहे हैं। अगे किसने वेख्या इदा कहण वाले भी हैगे है। हजूर कहन लगे ना भाई आ देख रब्बी बाणी दे बोल, जिस जल निध कारण तुम जग आए। तू किसे जल दे खजाने वास्ते इत्थे आया है, तो जल का खजाना की है अमृत का खजाना, अमृत नाम का खजाना। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। ओ अमृत जिन्हों तू लैण वास्ते आया है वह अमृत गुरु कोल है। तू गुरु कोल इस करके जाना है ताकि अमृत मिल जाए। गुरु इस संसार विच आया ही इस करके है ताकि वह अमृत वंड दे, सारिआं नूं अमृत नाल जोड़ दे। देखो सिखां नूं ते मेरे मालक ने अमृत नाल ही जोड़िया। कईआं दे अंदर भुलेखा पैदा हो सकदा है भी अमृत की गल शायद धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने की है। कई कह देंदे ने जी अमृत छकना खंडे बाटे की पौल प्राप्त करनी जरूरी आ, ये तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने शुरू किया, पहले गुरु साहबान ने थोड़ी ना किया। ये कह देंदे है कई ना भाई अमृत की गल तो धन गुरु नानक साहब तो ही शुरू आए। जपजी साहब का पाठ असी करते हैं ना, उहदे विच दो बारी अमृत शब्द आया। मेरे मालक ने अमृत नाल ही जोड़ना है, गुरु ने अमृत नाल ही जोड़ना है। वह सिखां दा जदों उठना हुंदा है उहदा सवेरा ही अमृत, किसे दा किहड़ा समा होएगा, किसे दा किहड़ा समा होएगा। मेरे मालक कहण लगे सिखा तेरा जिहड़ा समा होएगा ना वह अमृत वेला होएगा। सिख ते उठण तो ही अमृत नाल जुड़ जांदे आ। अमृत वेला क्यों किया, क्योंकि सिख अमृत वास्ते ही जीवन बतीत करता है। वह समा जिस वेले प्रभु दे नाम नूं संभाल लेना है, प्रभु दे नाम नाल जुड़ना है। हुण सिख दी परिभाषा असीं पढ़दे हां, हजूर कहण लगे गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। उद्दम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नहावै। अमृत तो जरूरी है, अमृत के सरोवर विच नहाउंदा है। हुण इशनान करन तो बाद अमृत के सरोवर विच नहाउण दा की मतलब है, खंडे बाटे दी पहुंच जदों प्राप्त करनी है ना, उन्होंने रहतां भी दसनी है। उन्होंने कहना भाई रोज़ नितने बाणियां दा जाप करना है, रोज़ इस बाणी नूं पुंचना है। ते बाणी विच की है, ये भी असी बचन पढ़ते हाँ, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, बाणी विच अमृत है। हुण ये बोल गुरु गोबिंद सिंह साहब दे तह है नहीं, जिन्हें बोल असी सांझे कर रहे हैं। हजूर कहन लगे तू उठ अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार। उदों अमृत की गल ते जदों समाप्ति हुई जपजी साहब जी दी, उदों मेरे मालक ने की किया भौ खला, ये डर जिहड़ा है रब का, अदब जिहड़ा हैगा, भै भावनी है, इहनू धौंकड़ी मणा ताकि तेरी तप ताओ दी अगन तेज हो जाए। तू उठे, तू गुरु घर जावें, तू सेवा करें, गुरु दे कहे हुए नू मन्ने, यही तप ताओ है ना। पर नाल ही की कहा सी भांडा भाओ अमृत तित ढाल। गुरु नानक साहब दे बचन ने, जे मेरे मालक अमृत की गल करते ने क्योंकि चाहते हैं भी अमृत मिल जाए, अमृत नाल जुड़ जाइए। दूजे पातशाह दे बचन ने कहन लगे अमृत बाणी तत् वखाणी, अमृत की गल की गुरु अंगद साहब जी ने। ते तीजे पातशाह जी ने ते एलानिया ये गल कह दी ना, कहन लगे दुनिया के लोगो अमृत लभ दे हो, मिल गया नहीं जी, मिलया नहीं। गुरु अमरदास साहब जी कहन लगे भाई मैनू तो मिल गया, तो मैं तुहानू दसना चाहुंना जिथों मैनू मिलिया उत्थों जाके तुसी भी लै लो। पावन बचन जो अनंत साहिब बाणी का जाप करते हैं उन्होंने याद होणगे, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरते पाया, सो अमृत गुरते पाया, सो अमृत गुरते पाया, सो
अमृत गुरते। असी गाउंदे आं पढ़दे आं, धन गुरु अमरदास साहब जी कहिंदे मैं ओ अमृत गुरु तों प्राप्त कर लिया है। असी सोचदे आं वी अमृत दी गल शायद दसम पातशाह जी ने कीती, तीजे पातशाह ते कहिंदे मैं अमृत प्राप्त कर लिया, ते प्राप्त कीता गुरु कोलों, ते गुरु कौन है? गुरु अंगद साहब जी। इहदा मतलब गुरु अंगद साहब को सी ताही उहनां को लिया है ना, जिहदे कोल जो होवे उही दे सकदा है। आपां इस अमृत नूं समझ जाइए, खंडे बाटे दी पहुल ने यही अमृत दा संचार साडे अंदर करना है। प्रभु दे नाम नूं ही साडे अंदर उसने हौली 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 रसा देना है, ते साडा जीवन भी अमृतमई बन जाना है। पर इहदे लई गुरु कोल जाना पएगा ना। भाई गुरदास साहिब दे बचन ने, उह कहिण लगे राम दासो अर्जुन गुरु अमृत ब्रिख अमृत फल लाया। कहिंदे धन गुरु रामदास साहब जी ओ दरख्त ने जिहड़ा अमृत दा दरख्त है, ते ओनू गुरु अर्जन साहब जी अमृतमई फल लगे। असी कहिंदे वी शायद दसम पातशाह नहीं अमृत दी गल कीती, बाणी विच बहुत थावां उते अमृत दी गल है, क्योंकि गुरु आया ही अमृत देण वास्ते है। बाबा नानक ने अमृत दिता, गुरु अंगद साहब जी ने अमृत दिता, बाकी गुरु साहब ही सानू अमृत ही देंदे रहे। ते मन विच इक सवाल पैदा हो सकदा है, धन गुरु अमरदास साहब जी हो, तुसी कहिंदे सीगे भी जिहड़े अमृत लभदे रहे सुर नर मुन जन उह मैनू मिल गया, पर असी ते कई कहानियां सुनियां होईयां ने जिहदे विच अमृत किसे होर नूं भी मिलिया सी। याद रखना मुसलमान वीरां विच भी आबे हयात दी गल चलदी है, उह भी इक खास प्रकार दे पदार्थ नूं अमृत कहिंदे ऐ, ते उहनां दीआं लिखतां विच ऐसा भी मिलदा भी सिकंदर उत्थे तक पहुँच भी गया सी, उन्हें बुक भी भर ली सी पीण लई, उन्हां दीआं लिखतां कहिंदियां ने, पर नाले भी लिखतां कहिंदियां ने भी जदों पीण लगा ना आवाज आई कोलों पी लै बाद च पता लगेगा। सिकंदर वेखे भी आवाज कित्थों आई, ते उहनां दीआं लिखतां विच इह लिखिया मिलदा कोली कि इल आदक पंछी सी, उहदा सारा जिसम जिवें कोड़ पिया होवे ते उहदे विचों पस निकलदी होवे। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੀ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਅਪਾਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਰਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਖੀਰ ਸਾਗਰ ਰਿੜਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ 10-20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਰਿੜਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕੋ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਧਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਗ ਹੈ।
ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੇੜਕਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਾ। ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿੜਕਾ ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਵੀ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਲਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿੜਕਿਆ, ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਖਾਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਲੇ ਮਿਟਾਉਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਤੇ ਦੈਂਤ ਪੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੈਂਤ ਪੀ ਜਾਣ ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੈਂਤ ਨਾ ਪੀ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਦਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੈਂਤ ਪੀ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਕਸ਼ਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪੀਵੇ ਤੇ ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕੋਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਰਾਕਸ਼ਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਕੌਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੌਡਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਈ ਕੌਡਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕੌਡਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਜਣ ਜੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਜਣ ਜੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੱਗ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਖੰਡ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੈਰ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਪੀ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਵੀ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਗਏ ਦੇਵਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
अमृत सानू भी चाहिए, अमृत सानू भी चाहिए। हुण असीं मुड़ के समुंदर रिड़कीए तो समुंदर रिड़कना निकलना नुकलना कुछ भी नहीं होना, कहानियां कहानियां ही होया कर दियां ने, कहानियां कहानियां ही होया कर दियां ने। बेशक उते कई अकीदा रखी तुरन पर जे हुण आपां समुंदर रिड़कणगे कुछ भी नहीं निकलना, तो जो पहला निकलिया उते खत्म हो गया, असीं की करिए। सिखां नूं कुछ घबराउण की लोड़ नहीं है, सिख नूं चिंता करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि वह अमृत पींदा है, रोज पींदा है, सवेरा ही उहदा अमृत वेला है। अमृत बाणी है, अमृतमई गुरु कोल बहिंदा है, इन्ना अमृत है उहदे कोल, इन्ना अमृत है उह तां रज्जिया पिया ते संसार नूं आवाजा मारदा, भाई अमृत चाहीदा ते आ जाओ आ जाओ। संसार दे लोकी आके कहिंदे भाई थोड़ा जा मिलेगा, थोड़ा जा, क्योंकि तुसी सारे ही पींदे हो, सवेर तो ही तुसी पींदे हो, मुक ते नहीं गया किधरे, सानू थोड़ा जा दे दियो। ते सिख कहण लगा थोड़ा क्यों, तुसी आओ ते सही, इन्ना अमृत है सिख कौम कोल, इन्ना अमृत है सिख कौम कोल, पीण दी गल ते छड्डो, अपने रिश्तेदारां नूं बुलाओ, अपने आंढ गुआंढ नूं बुलाओ, पूरे संसार नूं बुलाओ, सिख कौम कोल इन्ना अमृत है, पीण दी गल छड्डो, जे किते नहाणा भी होवे अमृत इन्ना है, तुहानूं नवा सकदी है सिख कौम अमृत विच। आवे ते सही कोई, चलो मैं सतगुर दे बचनां दी मोहर ला दवां। कहिंदे गुरु कोल जदों पहुंचे ना, गुरु ने पहला काम ये कीता कि गुर अमृत सर नवलाया, गुरु ने अमृत दे सरोवर विच नवा दिता, इन्ना अमृत है गुरु कोल, गुरु ते नवा देंदा है, हुण भी है। गुर अमृत सर नवलाया सब लाथे किल विख पंग, ते जिवें ही नहाते उदों पाप चले गए, पाप अंदर नहीं पैदा होए। बाणी दा एक एक बोल अमृत है, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, एक एक अखर विच अमृत है, किन्ना बेअंत अमृत है, बेअंत। चलो थोड़ा जा चलकारा, अमृत की करदा है, अमृत साड़ा खत्म कर देंदा है, अमृत झगड़ा खत्म कर देंदा है, अमृत वैर भावना खत्म कर देंदा है, अमृत मेर तेर खत्म कर देंदा है, अमृत साढ़े अंदर दा शैतान खत्म कर देंदा है। पहले ही अखर धन गुरु ग्रंथ साहब जी का एक ओंकार सारे उच्चारण करो, एक ओंकार अमृत किन्ना इहदे विच, ध्यान देना किन्ना अमृत इहदे विच, इहदे नाल ही जोड़ना है। अज जो अमृत संचार जो खंडे बाटे की पहल तैयार होनी है ना, ये नाल ही जोड़ना है, दृढ़ करवाना है पंजा प्यारिया ने इस नूं, ते जिहड़ा दृढ़ कर जाएगा वो अंदर वेखो सिद्धांत किहड़ा जाना, किन्ना अमृत। इसने समझा देना भाई मालिक एक है, वो वर्गा होर दूजा कोई नहीं, एक का अर्थ रहिंदा कित्थे है, एक ओंकार सारिया च रहिंदा है, सारिया च कण कण विच रहिंदा है, मुसलमान वीरां विच भी रहिंदा है, हिंदू वीरां विच भी रहिंदा है, ईसाई वीरां विच भी रहिंदा है, इस देश दे हरेक वसिंदे विच रहिंदा है, इस देश दे ही नहीं पूरे संसार दे हरेक दे अंदर वसिया होया। हुण सारे पासे निगाह मारी ते सारे पासे रब ही रब नजर आए, दसो किदे नाल साड़ा करेगा बंदा, किदे नाल वैर विरोध रखेगा, किदे नाल मेर तेर करेगा। उहनूं ते हर पासे रब ही नजर आउंदा, कहिंदा सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, उह तां कहिंदा सबै घट राम बोलै, रामा बोल, किदे नाल मेर तेर, किदे नाल। हुण पत्थर चुक के किसे सिर च नहीं मारेगा, हुण किसे दा गला नहीं घोटेगा, किसी ने ठगी नहीं मारेगा, किसी अगे जाता वेख के सड़ेगा नहीं। यह है अमृत।
यह है अमृत, जीवन बदल जाएगा तो पैदा हो जाएगा भाई कन्हैया, जिहड़ा दुश्मनां नूं भी पाणी पिआउंदा ते जो दुश्मन हैरान भाई तैनूं भुलेखा तो नहीं पै गया, मैं तुहाडा दुश्मन है भाई कुछ मिला के तो नहीं पिया दिता ई कि मैं मर जावां, मैं तड़प रहा सां कि ऐसा तो नहीं कुछ मिला के तू पिया दे मेरी मौत हो जाए, क्योंकि मैं तो दुश्मन हाँ, मैं तो मारन वास्ते आया, मेरी तलवार नूं लगा होया खून तेरे ही किसी भरा दा हो सकता है, की समझ के पानी पियाया है। ते भाई कन्हैया जी कहन लगे, भाई मैनू ते तेरे विचों रब नज़र आउंदा है, मैनू ते तेरे विचों अपना गुरु नज़र आउंदा है, मैं ते अपने गुरु नूं पियाया, मैं ते रब नूं पियाया, मैं किसी दुश्मन नूं पानी पियाया ही नहीं। आ है अमृत, आ है एक ओंकार, मेरे मालक कहिंदे इन्ना अमृत है सिख कौम कोल, आवाज मारे पूरे संसार नूं, आओ भाई रल के असीं अमृत पान करिए, घटेगा नहीं वधेगा, खावें खर्चें रल मिल भाई, टोट ना आवै वध दो जाई, इन्हें वधदा जाना, इन्हें घटना कोई नहीं। बैठे ते सही कोई गुरु ग्रंथ साहिब कोल, गुरु ग्रंथ साहिब जी बोलणगे ना साढ़े कन्नां विच अमृत जाएगा। सतगुर दे बचन ने गुरु रसना अमृत बोलदी, गुरु की रसना ना अमृत ही बोलदी है, तो गुरु की रसना ने की बोलिया है, ये सारी बाणी गुरु की रसना तो उच्चारण हुई है ना, फिर सारी बाणी की है, अमृत है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कोई बैठे तो सही, गुरु का इशारा साढ़े उत्ते अमृत का छिड़का, गुरु नज़र चुके साढ़े वाल वेखे साढ़े उत्ते अमृत का तरौंका पै जाए, गुरु हाथ ही लावे साढ़े उत्ते अमृत के छिट्टे पै जान, इन्ना अमृत है। ये बचन भी असी हुणे पढ़ सुन के हटे हाँ, मेरे मालक कहिंदे गुर अमृत भिन्नी देहोरी, किन्ना अमृत है गुरु कोल, गुरु दी ते सारी देही अमृत नाल भरी हुई है। गुर अमृत भिन्नी देहोरी, अमृत बुरके राम राजे, ओ ते अमृत दा छिड़का करदा सिखा, बह ते सही आके गुरु कोल, बह ते सही, तैनू सिर तो लैके पैर तक अमृत नाल नवाल के रख देगा, अमृत दे नाल, और साडा पाप खत्म हो जाएगा। जिस गल दी पहले अमृत दी गल कीती ना, हुण उहनां दे ग्रंथ ने उहनां दे विच ही इस अमृत दी गल है, ते उहनां ग्रंथां दे विच कुछ होर भी लिखिया मिलदा है। हिंदू वीर बहुत प्यार नाल रामलीला दा इत्थे पेश करदे हन, हर साल रामलीला खेडी जांदी है। उस रामलीला दे विच एक दृश्य आप जी ने कई बार सुनिया देखिया होएगा, भी रामचंद्र जी ने एक पत्थर नू पैर लाया ते वह इस्त्री बन गई, उहदा उधार कर दिता। हर साल दिखांदे हिंदू वीर, फिर नाल ही सवाल पैदा होया भी ये पत्थर बनी क्यों सी, हुण उहदा कारण यह है भी इहदे पत्थर बनन दा कारण एक देवता है पिछे, उन्हां दे धार्मिक ग्रंथ ने उही हर वारी विखाउंदे ने, ते केड़ा देवता है जो देवतियां दा राजा है, इंद्र, ये कौन है, ये ते गौतम ऋषि दी घरवाली अहिल्या है, गौतम ऋषि कौन जो इन्हां देवतियां दी पूजा करदा है, पर उहदी इस्त्री दा रूप खूबसूरत है, इंद्र देवता बेईमान हो जांदा। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੰਦਰ ਦਾ ਦਾਗ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰ ਜਾਏ, ते संताप भुगतना पवे उस इस्त्री नू, कितने वर्ष वह पत्थर बन के रह जाए, ते पीता ते उन्हें भी सी अमृत, ऐसे अमृत दा की करना, जो देवते दे अंदर जावे ते महाराक्षस बना दे उसनू की करना, ऐसे अमृत दा सानू नहीं चाहिदा, ये जा अमृत जो देवत्या दे अंदरों भी काम खत्म ना करे, सानू नहीं चाहिदा अमृत, ओ
जेड़ा जावे अंदर ते काम बाहर चले जाए, क्रोध बाहर चले जाए, लोभ मोह अहंकार बाहर चले जाए, सिखा ने पीता अमृत। बाणी दा अमृत भाई गुरदास साहब जी ने इन्हां दे अंदर प्रवेश करवाया, गुरु साहब ने प्रवेश कराया। विचार की बन गई, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाणे। पराइयां ने चंगियां ने पर दृष्टि कैसी है, मेरी मां तुरदी आ, ये मेरी भैन तुर रही है, ये मेरी धी जा रही है। हुण अंदरों शैतान नहीं प्रगट होएगा, क्यों? क्योंकि अमृत घुट अंदर गए हुए, हुण ये बाणी दी विचार अंदर गई हुई, जिन्हें समझा दिता, हे कामंग नरक विश्रामंग बहु जोनी परमावना। हे नरकां विच वसण वालिया, बहु जोनियां विच पटकाउण वालिया, तू मेरे घर की करन वास्ते आया, सिख ते काम नूं भजा देंदा अपने घरों। क्यों? इनू अमृत मिल गया बाणी दा, खंडे बाटे दी पहल विच ए रहत दृढ़ करवाई जानी है, ए सब कुछ दृढ़ करवाया जाना है। भी चेते रखी पर स्त्री ते पर पुरुष दा संग नहीं करना। गुरु प्यार वाले हो, फिर ओ देवता प्रगट हो जांदा है। सिखां कोल ओ अमृत है जिन्हें इन्ना प्यारा जीवन बख्शिश कर दिता। इथों दी बहु बेटियां नूं चार पांच मुगल पठान आउंदे है, चुक के लै जांदे। हुण मावां ते धीआं जा रहीआं, धी नूं चुक लिया, चीकां मारियां धी ने, मां ने चीकां मारियां, ओ कोई बचा लो, ओ बचा लो मेरी धी नूं, धी आवाजां मारदी मैनूं कोई बचा लो, कोई नहीं आउंदा। दूरों कितों किसने जकारा छड्डिया, आवाज कन्नां विच पई वी जकारा, ये तो सिख है, ये तो कोई गुरु का प्यारा है। उम्मीद जागी, मां ने हाथ अगे अड के उधर नूं मूंह करके उच्ची उच्ची किया, मोड़ी बाबिया डांग वालिया सरदारा, छाई रन गई बसे नूं गई। ओ धी ने चीकां मारिया उधर नूं मूंह करके, सिख सरदारा मेरी इज्जत जे बचा सकदा है तू बचा सकदा है, क्योंकि तेरे अंदर अमृत है, तू इज्जतां ना खोंदा ना खोण देना। और इतिहास गवाया, सिखां ने अपनी जाना उत्ते खेड के इथों दी बहु बेटियां नूं बचाया है, इहनूं कहिंदे अमृत। आ दित्ता मेरे मालक ने, जो कहानियां विच अमृत है सानूं चाहीदा ही नहीं। उस अमृत ने ते किसी प्रकार का जीवन सुधारिया ही नहीं जो असीं कहानियां विच वेखदे हां, पर गुरु दे अमृत ने ते जीवन शिंगार के रख दिता है। पर चेते रखिए, मिलेगा किनू, मिलेगा किनू? गुरु ते तैयार बैठा है, मेरा जी करदा है। एक बारी सारे धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं वेखो प्यार नाल, इंज लगेगा प्रकाश होया होया ना, तुहानूं इंज लगेगा जिवें मेरे मालक ने ना एवें बाहां खिलारियां होण, एवें प्रकाश है ना। गुरु ते सचमुच बाहां खिलार के कहिंदा, पुत आ मेरे कोल, मैं तेरे मूँह च अमृत पा देवां। पुत आ मेरे कोल, मैं तैनूं चुक के रब दी गोद च बिठा देवां। पुत आ मेरे कोल, मैं तैनूं रब रूप बना देवां। असीं जांदे ही नहीं, गलती साडी है। याद रखना, सब तो पहला गुरु वाले बनना पेगा। गुरु वाले, गुरु वाला ही नहीं जिहड़ा बनिया। मेरे वर्गा बंदा किताबां पढ़ी जाए, किताबां पढ़न तो बाद किसे इंटरव्यू ते चले जाए, तो इंटरव्यू वाला कहेगा पहला अपना सर्टिफिकेट दे, कोई प्रमाण दे तू पढ़े है। किसे स्कूल दा, किसे कॉलेज दा कोई सर्टिफिकेट, आखे वो तो है नहीं। उंज मैं किताब पढ़ी है, कोई नौकरी दे देगा, प्रमाण चाहिदा है। याद रखना, असी कई बार पूजा पाठ करते हाँ, फिर करन तो बाद कई बार कहते हैं भी असी तो पाठ कर लीदा, आपां झूठ नहीं बोलते, सानू की अमृत छकण की लोड़ हैगी है, सानू की गुरु वाले बनन की लोड़ हैगी है, सानू की खंडे बाटे की पहल प्राप्त करन की लोड़ हैगी है। बिल्कुल हैगी है, बिल्कुल हैगी है। निगुरे का है नाओ बुरा, भागा वाले हो, अज अज इस जगह उत्ते मेरे मालक ने रहमत वरतौनी है। खंडे बाटे दी पहल प्राप्त कर लईए जिन्हां ने हले तक नहीं छकी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का
जीवन विचों एक झलकारा मेरे सामने आ गया। जे तो आप दिल दे नाल सुन लिया ना, फिर जिहड़ा हले भी मन बनिया नहीं ना होया गुरु वाले बनन दा, ते बन जाएगा, पर दिल ना सुनना पेगा। सानू कई बार लगता भी असी बड़ी चंगी कुल विचों आ, साढ़े वड्डे वडेरे बड़े महापुरख होए हैं, सानू की लोड़ है, असी ते अपने महापुरखां दे सदका ही जिहड़ा हैगा वह पार हो जाना। कई बार इंज लगता कईआं नू, नहीं असी रोज पढ़ते हैं आपे बीज आपे ही खाह, आप ही बीजना है ते आप ही खाना है, भावें चंगा ते भावें माड़ा। इतिहास विच जिक्र आउंदा है धन गुरु गोबिंद सिंह साहब गए ते भाई भगतू जी दी वंश विच्चों भाई दयाल दास। हुण भाई भगतू जी इन्ना समा नहीं, बस इशारा देण लगा है गुरु दी असीस प्राप्त किते हुए, गुरु दे प्यार नाल भरे हुए भाई भगतू जी, उन्हां दी वंश विचों भाई दयाल दास जी। हुण उन्हां दे मन विच ख्याल आया भी गुरु साहब इस इलाके विच आ रहे हैं, भी साडा खानदान पिछोकड़ जिहड़ा हैगा वह तो बड़ा महान है, प्रशादा मैं छकाना है। वह सब नूं कहिंदा हाँ गुरु साहब आणगे प्रशादा तो मैं ही छकाऊंगा, गुरु साहब ने आना है प्रशादा तो मेरे घर ही होएगा, मेरे घर ही आना उन्होंने, साडा पिछोकड़। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब गए, भगत दी वंश विचों भाई दयाल दास जी कहन लगे सतगुरु प्रशादा मेरे घरों छकना है। सतगुरु जी कहन लगे नहीं मैं नहीं छकना। हुण दयाल दास कहन लगा सच्चे पातशाह लगता पहचानिया नहीं तुसी, सानू जानिया नहीं। वो जो गुरु दुलारे गुरु प्यारे भाई भगत जी असी उन्हां दी अंश वंश विचों आ। हजूर कहन लगे मैनू पता है। फिर सच्चे पातशाह प्रशादा छकोगे ना? हजूर कहते नहीं छकांगे। बड़ा हैरान भाई भगतू, भगतू की हां वंश विचों, ते दयाल दास बड़ा हैरान भी भगतू दास की वंश विचों भाई भगतू जी की वंश विचों मैं, ते मैनू ना क्यों कर रहे है? दयाल दास कहन लगा सच्चे पातशाह कारण की है? हजूर कहन लगे निगुरे का है नाउ बुरा, तुसी सुनिया नहीं भी हुण सारिया ने पंजा प्यारियां पासों खंडे बाटे दी पाहुल लेनी है। किन्नी वारी ये गल होई भी तुसी हले तक वह पाहुल प्राप्त नहीं कीती, इस करके तुसी गुरु वाले नहीं हो, ते मैं निगुरे दे हथों रोटी खानी, मैं नहीं प्रशादा छकना। दयाल दास हस पिया भी शायद सतगुरु जिहड़े ना वह हस ही कर रहे हैं, नहीं छकिया। खैर साखीकार यह भी लिखते हैं दयाल दास ने बालता आदि भर के सतगुरु के घोड़े अगे रखिया, हद होगी घोड़े ने भी पानी नहीं पीता। बड़ा हैरान कहिंदा घोड़ा भी पानी नहीं पीता? सतगुरु जी हस के कहन लगे भाई लगता है यह भी निगोरे के हथों पानी नहीं पीना चाहता। कई बारी बंदे जिद्दी बहुत होंदे है, वो कहिंदा छकाना तो मैं ही है। अठ दिन पिछे प्रशादा लैके घूमदा रहा, सतगुरु अज छक लो, सतगुरु अज छक लो, मेरे मालक ने 8 दिन का प्रशादा नहीं छकिया। भाई राम सिंह उन्हां दे विच्चों ही सी, वह कहन लगा दयाल दास जिद छड, गुरु की मन्नी दी हुंदी है, गुरु नूं अपनी मत नाल मनाईदा नहीं, तैनूं गुरु ने कहा ना तू गुरु वाला बण। ते फिर इतिहास कहिंदा भाई दयाल दास अपने रिश्तेदार आंढ गुआंढ होरां दे नाल 125 दी गिणती दे विच, 125 दी गिणती विच बठिंडे दे किले विच पहुंचदा है, कहिंदा मैनूं अमृत दी दात, मैनूं खंडे बाटे दी दात प्राप्त करो, मैं गुरु नूं प्रशादा छकाउणा है। उत्थे जिस वेले उसने खंडे बाटे की पहल प्राप्त की, सतगुरु जी कोल पहुंच गया,
हाथ जोड़ के कहन लगा दाता जी हुण ते प्रशादा छकोगे ना। हजूर कहन लगे हुण जरूर छकांगे, हुणे छकांगे, चल छकीए। याद रखिए असी कहने असी ते अमृत पान ही नहीं करना, असी ते गुरु वाले बनना ही नहीं। चेते रखो गुरु मेरा उन्होंने घरों प्रशादा छकन नूं तैयार नहीं, उन्होंने घोड़ा भी पानी पीण नूं तैयार नहीं, जिहड़ा निगुरा है। असी कित्थे पहुंच गए, सानू किवें प्रवान करेगा मालक। अज मेरे मालक ने सबब बनाया, अज इत्थे पंज प्यारे पहुंच रहे। जे हले भी मन नहीं बनाया ना ते अपने मन नूं कहिए मना गुरु ने तेरे हथों कुछ प्रवान नहीं करना। इस करके हले भी वक्त है, हले भी इशनान पान करके तैयारा किया जा सकता है। उस वेले फिर उन्हें गल की कि सच्चे पातशाह हुण मेरा की बनेगा, मैं हुण खंडे बाटे की पहल प्राप्त कर ली है। हजूर कहन लगे हुण तू चा नाल प्यार नाल उत्साह नाल विश्वास नाल पढ़िया कर, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, मैं सारा परिवार बेड़े चाड़ दिता है, हुण तू इहनू आप ही पार करना, हुण जिम्मेवारी गुरु दी है, हुण तू गुरु वाला बन गया, हुण जिम्मेवारी गुरु दी है। याद रखिए असी अपनी जिम्मेवारी गुरु नू दे दीए, गुरु वाले बन जाइए। गुरु वाला बनना बड़ा जरूरी जे। गुरु करेगा की, गुरु वाले बन गए की करेगा गुरु, साढ़े जीवन च की बदलाव आएगा। बाबा नानक जी कहन लगे तेनू पता गुरु कौन है? सच्चे पातशाह तुसी दस दो गुरु कौन है? हजूर कहन लगे गुर ईश्वर गुर गोरख वर्मा गुर पारवती माई। ओ भलिया, गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही पार्वती दुर्गा सरस्वती जिन्निया भी देवियां जिन्ने भी देवते मेरे लिए गुरु ही है, होर कोई भी नहीं। गुरु की है साड़ी नजर दे विच, गुरु वाले क्यों बनने? गुर ईश्वर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई, जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। गुरु की महिमा कित कही जाती है। ऐसे गुरु कोल आके झोली अड ते कह गुरा एक देह बुझाई, ए गुरु मैनू एक समझ दे एक अकल दे, मैनू सब कुछ याद है रब ही याद नहीं। सब कुछ याद है, खाना पीना हसना सौना सारा कुछ याद है, रब याद कोई नहीं, मौत याद कोई नहीं। गुरु दे अगे झोली अड ते कह सच्चे पातशाह रहमत कर मैनू काम चेते आउंदा ई, मैनू क्रोध चेते आउंदा है, मैनू लोभ मोह अहंकार ईरखा द्वैष निंदिया चुगली भ्रष्टाचारी बेईमानी साड़ा ये सब कुछ चेते आउंदा है, रब चेते नहीं आउंदा। कृपा कर गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई। दाता कि मैं भुल ना जावा। गुरु फिर कहेगा आ मैं तेन सवारा। गुरु ईश्वर किवें है? हिंदू वीर कहते भी असि शिवजी जी बारे ये कहने भी मारन का काम वह करते हैं। हिंदू वीर की विचारधारा है भी इस संसार नूं मारन दा कार्ज वह करते हैं। गुरमुख दा सिद्धांत नहीं, मैं फिर कह देवां ये हिंदू वीरां दी विचारधारा है। सच्चे पातशाह गुरु ही शिव है कि गुरु भी कुछ मारदा है? हजूर कहिंदे हाँ मारदा है ना। याद रखो शरीर नूं मारना किन्ना क वड्डा कार्ज है। बेशक इस संसार नूं चलाउण वास्ते जन्म भी है ते मरण भी है। कोई एक रावण होवे मारिया ते गल खत्म हो गई, एक कंस होवे मारिया ते गल खत्म हो गई, एक हरनाकश होवे मारिया ते गल खत्म हो गई। पर जे घर घर रावण बैठे होण, घर घर कंस बैठे होण, घर घर हरनाकश बैठे होण, हुण सारे नूं मार दईए। जे सारे नूं मार दईए ते संसार चलेगा किवें?
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵਣ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਵਣ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ, ਰਾਵਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਰਿਆ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਵੀਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਆਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਜਾਏ? ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਭਵਕ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਲੱਥ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਮਾ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਭਜਦਾ ਭਜਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਜਾ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਾਰ, ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ, ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਬੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਾਰੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਝੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਨੋ। ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ?
ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਣਾ ਹੈ, ਆ ਸਮਾਂ ਵੇਖ, ਰਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸ ਦੇਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਕਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਕੀ ਆਖਦਾ? ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਝਿਜਕ ਨਾ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਧ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਧ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੇਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਝੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਠਾਣ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੁੜਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਬਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਹਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੱਟ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਬੋਲ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
मेरे गुरु दे घरों कोई खाली नहीं गया, तू भी नहीं जाएंगी। चंगा तू मैंने गुरु चेते करा दिता ही। बह, एकदम बह गई। हरी सिंह नलवा अद खड़दा, जिहदे अगे कई झुक गए उन्हें जमीन नूं गोडे ला ले। वह बैठी है मंजे उत्ते। हरी सिंह नलवा उन्हें जमीन ते गोडे ला ले ते अपना माण भरिया सिर दस्तार वाला उहदी गोद विच रख के कहिंदा है, तू यही चाहुंदी सी ना वी तेरी गोद विच मेरे वर्गा पुत होवे। फिर हरी सिंह नलुआ वर्गा ते हरी सिंह नलुआ ही है। मैं अज तेनू कहना मां, मैं तेरा पुत है। फिर क्या मां, मैं तेरा पुत है, जाके संसार नू कह हरी सिंह नलुआ मेरा पुत है। सारी जिंदगी मैं तेनू मां कहांगा, तू मैनू पुत कही। इन्ना सुनना ही सी उहदी रूह कंब उठी। एकदम उहने दुपट्टे नू हथ पाया अपने सिर ते कजिया ते कहण लगी, सरदारा आई तां मैं तेनू डिगण सा, पर तू मैनू इन्ना उपर चुक दिता है ना, मैं सोच भी नहीं सकदी कि तू मैनू मां कहेगा। आई मैं तेनू डेगण सा, पर तू मैनू आसमाना तक लै गया है, हुण मैं मां नाल जाके कहांगी हरी सिंह नलुआ मेरा पुत है। वो बाद विचों भी मिलन आउंदी रही, पुत कहिंदी रही। हरी सिंह नलुआ उहनू मां कह के संबोधन कहिंदे रहे। क्यों? क्योंकि गुर ईशर गुरु मारदा है, गुरु काम नू खत्म कर देंदा है। जेड़ा मनुख गुरु कोल पहुंच जाए ओदे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाएगा। ओदे अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज पैदा हो जाएंगे। ओदे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि भाई बचित्र सिंह हाथी नू कहन लगा, देख गुरु का शेर आउंदा ही। उन्हें मारिया एक नेजा ते हाथी भजा के रख दिता ते कहा भी बचित्र सिंह इन्ना बल तेरे विच। ते बचित्र सिंह कहिंदा ना, मेरे च कोई बल नहीं, तुसीं वेखिया नहीं, मेरे मालक ने थापड़ा दिता सी। मेरे मालक ने कहा सी आ गुरु दा शेर जाएगा। इह ते गुरु दी रहमत है। गुरु प्यार वालिओ, गुरु हर वेले रहमत करन नूं तैयार है। असीं गुरु वाले ते बणीए। अज खंडे बाटे दी पौहल तैयार हो रही है। अज पंज प्यारे पहुँच रहे ने। भागां वालिओ, अपने भागां नूं जगा लईए। जिहड़े हले भी गुरु वाले नहीं बने, दोनों हाथ जोड़ बेनती करदे। समय का कोई पता नहीं, समय ने कदों किसे नू खा जाना है। हले भी वक्त है, समय रहिंदिआं इहनू संभाल लईए, तैयारे करिए। जिहड़े गुरु वाले नहीं बने वो गुरु वाले बनन, तां कि इह लोक ते परलोक सुहेले कर सकीए। होईआं अनेक भुल्लां लई दास खीमा दा जाचक है, फतेह प्रवान करो जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह।